ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। वो तो हम इसको मानते ही नहीं है जिसकी बात आप कह रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ने भी तो कही दिया है ना। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। आपको जैसा मन करे वैसे पूजा करिए, कोई और कैसे करता वैसे करे, इन सब चीजों में कुछ नहीं। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोलने, कह चुके हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। इन सब चीजों पर कोई विवाद नहीं करना सर, चाहिए। और आप जानते हैं कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में बात मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीज़ों पर कुछ ही नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात आप देखिए, सब कोई भी धर्म के मामले में किसी तरह का किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म किसी भी मामले में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सही बात नहीं। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। वो तो हम इसको मानते ही नहीं है जिसकी बात आप कह रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ने भी तो कह दिया है ना, सब बात सर बयानबाजी चल रहा है। कोई चीज करना ही नहीं चाहिए बात, जिसको जैसे मन करता है वैसे पूजा करता है, जैसे करता है उसमें हस्तक्षेप क्या? आपको जैसा मन करे वैसे पूजा करिए, कोई और कैसे करता वैसे करे, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं। सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपने अपने ढंग का अधिकार है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपस में किसी भी तरह का विवाद न हो। तो आप जानते हैं ना, यहाँ हम लोगों ने कितना आपस में हम लोगों ने कोशिश की है कि विवाद कितना न के बराबर है, हम लोगों ने तो कोशिश किया है। लेकिन अभी सब चीज़ कोई सुन ले, किसी भी धर्म के मामले में कोई भी चीज़ कोई बोलता है तो हमको नहीं ठीक लगता, हम ये सब में नहीं इंटरफेयर करते। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोलने, कह चुके हैं, वापस नहीं ले रहे हैं। अब तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। ये सब पर मत ज्यादा चर्चा।